हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मेरे पास जो ऐसी वेस्ट चीज़ें रखी हैं घर पे, उनका मैं यूज़ करूं और बहुत सारी घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लूं। तो ये आइडिया आप लोगों के साथ तो शेयर मुझे करना ही था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। यहाँ पे जो धनिया है उसे मैं रखती थी इस तरीके के बड़े से टिफ़िन बॉक्स में। तो आप देख सकते हैं साइज़ ही कितना बड़ा है और धनिया भी बहुत सारा आ जाता था। बिल्कुल फ्रेश रहता है मेरा धनिया, लगभग 10 दिन से भी ज़्यादा चल जाता है और ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। ये जो धनिया है ये मेरे किचन गार्डन का ही है। तो जो इसकी इस तरीके की पतली पतली डंडी है उसे भी अगर हम चटनी में इंक्लूड कर लेते हैं तो अच्छी लगती है। बिल्कुल कच्ची कच्ची हैं, पर अगर आप चाहें तो इन्हें हटा सकते हैं। इसके बाद मैंने एक मिठाई का बॉक्स लिया है और इसके अंदर नीचे टिश्यू पेपर ज़रूर लगाइएगा। टिश्यू पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो पतला वाला है जिसके अंदर पानी बहुत जल्दी चले जाता है तो आपके धनिया जल्दी ख़राब हो जाएंगे। पर अगर आप 2 या 3 प्लाई वाले टिश्यू पेपर को यूज़ करते हैं तो उससे आपके धनिया की जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है और वो काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। सेम आप लोग पुदीना और करी पत्ता इन दोनों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। अब आपके जो धनिया है कभी भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने अपने फ्रिज में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। ऐसे ही प्लास्टिक का एक छोटा सा मिठाई का डब्बा भी था मेरे पास, जिसे मैं यूज़ करती हूँ मिर्ची को स्टोर करने के लिए। मिर्चियों को अगर आप लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो जो उनके डंठल हैं उन्हें हटा दीजिएगा, क्योंकि वही एक जगह होती है जहाँ से मॉइस्चर उसके अंदर जाएगा और फिर वो मिर्च को ख़राब कर देता है। तो डंठल को हटाने के बाद टिश्यू पेपर अच्छे से बंद कर दीजिएगा और फिर अगर आप इसे प्लास्टिक जार में भी रख रहे हैं, एयर टाइट नहीं भी है, तब भी गारंटी है आपकी ये जो मिर्चें ख़राब नहीं होंगी। इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर कराई था, हम लोग थोड़ा बाहर गए थे तो जब हम बाहर से कुछ खाने का सामान लाते हैं तो उसके साथ ऐसे हमें ब्राउन पेपर पैकेट्स मिल जाते हैं। ये जो ब्राउन पेपर पैकेट्स हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें यूज़ कर सकते हैं अपने घर पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मुझे तो ये ठीक ठाक सा लगा, बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं चलेगा, पर फेंकने का भी मन नहीं था क्योंकि अच्छा था, क्यूट सा था। इसको मैंने इस तरीके से बिल्कुल जो बास्केट का तरीका होता है ना वैसे ही बना लिया है। 4 कट लगाए थे, फ्लैप्स को अंदर की तरफ टर्न कर दिया है और वो छोटी सी एक बास्केट बन गया है। उसके बाद मैंने जो पेपर होल होता है उससे इसके अंदर छोटे छोटे से होल्स बना दिए हैं ताकि जो भी चीज़ हम इसमें रखें वो सर्वाइव कर जाए और वो ख़राब ना हो। इसके अंदर आप लोग लहसुन या प्याज कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ ऐसा हमेशा होता है ना, जब उन्हें हैंड वॉश मिल जाता है तो बस वो पंप करते रहते हैं और बहुत सारा यूज़ कर लेते हैं। मेरा तो ये बिल्कुल 10 या 15 दिन में ख़त्म कर देते थे। तो आज मैंने सोचा इसका तो मुझे इलाज करना ही है। रबर बैंड को मैंने लगा दिया है बिल्कुल पंप के पास में। रबर बैंड लगाने की वजह से इसका पंप अब ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, बस 1 या 2 ड्रॉप निकलेंगे जितने की ज़रूरत होगी। ईयरबड्स जब भी आप लोग यूज़ करते हैं तो जो उनके डब्बे हैं ना उन्हें आप लोग बहुत तरीक़ों से रीयूज़ करते होंगे। मैं अपना देसी सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो हम ड्रिल वगैरह करते हैं उसके अंदर जो हमें इस तरीके की वाइट गिट्टी लगती है वो, और जो छोटी छोटी सी क्लिप्स आती हैं जहाँ पे भी तार निकले होते हैं उसे सिक्योर करने के लिए, वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। तो ये मेरा परमानेंट है, इसके अंदर यही चीज़ें रखी जाती हैं। किंडर जॉय या कुछ भी ऐसे चॉकलेट्स भी अगर आप अपने बच्चों को खिलाते हैं, मैंने अब बिल्कुल बंद कर दिया है, पर पहले जब कभी खिलाया करती थी तब से ये मेरे पास है और इसके अंदर मेरे जो टीवी है उसको फिक्स करने के ना स्क्रू हैं। तो ये मुझे बहुत टाइम से याद है, कई सालों से, कि हमारे जो टीवी के स्क्रू हैं एक्स्ट्रा वो इसके अंदर रखे हैं और ये इसी के अंदर है। बच्चों की शू पॉलिश और ब्रश कहीं पे भी आप लोगों को मिल जाती है क्योंकि हम उसकी कोई जगह ही नहीं बनाते हैं घर पे। तो इसीलिए आप लोग भी कोई बच्चों का पीडियाश्योर या कोई भी ऐसा टॉय का बॉक्स है उसे थोड़ा सा DIY कर दीजिए और उसके अंदर आप ये चीज़ें आराम से रख सकते हैं। बहुत ही क्यूट लगेगा बॉक्स, किसी को पता नहीं चलेगा इसके अंदर क्या चीज़ रखी है और जब आपको ज़रूरत होगी तो सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी।
मेडिसिंस को स्टोर करने के लिए मार्केट में बहुत सारे आपको ऑर्गेनाइजर मिल जाते हैं, प्लास्टिक के आप लोग यूज़ करते होंगे, पर वो थोड़ा सा फैंसी नहीं लगते हैं। मेरे पास ये कुकीज़ का बॉक्स था जिसे मैंने DIY करा था बहुत टाइम पहले, और इसके अंदर मैंने थोड़ी बहुत मेडिसिन जो भी हमारे घर पर हैं, जो भी आपको फ़र्स्ट एड की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रख दी हैं। देखने में भी अच्छा लगेगा और मुझे भी पता रहेगा कि इसके अंदर सारी की सारी मेडिसिन हैं। तो आप लोग भी कुछ पुराने तरीकों को चेंज कर सकते हैं और नए तरीके ट्राई कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सिलाई कढ़ाई नहीं आती है, बिल्कुल बेसिक सी आती है, पर फिर भी जो सुई होती है वो तो हमें घर पे रखनी ही पड़ती है। जो ये बॉक्स था इसके अंदर बिल्कुल नीचे गिर जाती थी और निकालने में कई बार मेरे हाथों में भी लग जाती थी, इसलिए अब मैंने एक मैग्नेट का यूज़ करा है और सारी अब उसके ऊपर चिपक गई हैं, एक जगह मिल जाएंगी। एक छोटा सा पेपर ले सकते हैं जिसके अंदर आप होल बना के कुछ ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं, जैसे कि बटन्स हैं या फिर आप लोग इस तरीके की सेफ्टी पिन्स हैं या फिर जो भी सामान आप लोगों की स्टिचिंग में लगता है वो सब आप इस तरीके से लगा सकते हैं। मैंने कुछ टाइम पहले कुछ होम सेंटर से चीज़ें परचेज करी थी जिसके साथ मुझे बहुत ही अच्छा सा पैकेट मिला था, और जो इसके अंदर कुशन कवर्स आए थे उन्हें तो मैं यूज़ कर ही रही हूँ। पैकेट को मैंने यूज़ करा क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही प्यारा सा हैंगर मिल जाता है। ऐसे सेम पैकेट्स आप लोगों को बच्चों के कपड़े या खिलौने या कुछ भी आप लोग ऐसा मार्केट से परचेज करते हैं उसके साथ डेफिनेटली मिल जाते होंगे, तो उनको आप लोग हैंग कर दीजिए अपनी वार्डरोब के अंदर और ज़रूरत के सारी चीज़ें उसके अंदर आप लोग अरेंज कर सकते हैं। चाहे बात हो छोटी छोटी डायरीज़ की या फिर कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स की, या फिर आप लोग इसे अपने बच्चों की वार्डरोब में भी रख सकते हैं। मैंने इसके अंदर कुछ हैंकीज़ को इस तरीके से रखा है जो कि विजिबल भी होंगे, गंदे भी नहीं होंगे और सामने के सामने मिल भी जाएंगे। ये वाली इयररिंग्स आप लोगों के पास ज़रूर होंगे क्योंकि इसका फैशन आया था, तो आप सब ने भी शायद परचेज करे होंगे। सेफ्टी पिन्स की ज़रूरत आप लोगों को हमेशा पड़ती है, चाहे आप लोग साड़ी पहन रहे हों या घर पे कोई चीज़ फट गई है उसे फटाफट से आपको फिक्स करना है या कहीं पे आपको पर्दा हैंग करना है, सेफ्टी पिन हमें चाहिए होती है। तो सेफ्टी पिन को एक साथ रखने के लिए सबसे पहले तो उनके साइज़ के अकॉर्डिंग आप लोगों ने डाल लीजिए एक ही सेफ्टी पिन के अंदर, और फिर इस तरीके के इयररिंग्स में एक बार आप उन्हें डाल के देखिएगा, बहुत ही आसानी से आप लोग इन्हें ढूंढ पाएंगे और वार्डरोब के अंदर इस तरीके से हैंग भी कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने अपने लिए ना एक चॉकलेट परचेज करी थी जिसके साथ मुझे अंदर इस तरीके का ये प्लास्टिक का ऑर्गेनाइज़र मिल गया। बहुत टाइम से मैंने इसे रखा हुआ था कि आप लोगों के साथ ना कुछ आइडियाज़ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने यूज़ करा अपना मोबाइल बॉक्स जिसे मैंने अगेन DIY करा हुआ है, कुछ डेकोपाच टेक्निक अप्लाई करके, और मैंने जो प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र था ना उसे कट कर लिया था सीज़र से, जिससे वो बहुत ही आसानी से नीचे की तरफ सेटल हो गया। अब इसके अंदर आप अपने बड़े बड़े झुमके, इयररिंग्स, छोटे छोटे से जो आपके पास स्टड्स होते हैं, ये सब कुछ आप लोग इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कितना अच्छा आइडिया है और आप लोगों के बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं हुए किसी भी आइडिया को ट्राई करने में। इस बार जब दिल्ली गई थी तो काफ़ी सारी बिंदी तो मैंने खरीद ही ली थी, पर जो मेरे पास पुरानी बिंदियाँ थी ना उनके पैकेट्स आप देख सकते हैं कितनी स्पेस ले रहे हैं। ये स्पेस को घेर के रखते हैं और हम इनके अंदर और नई बिंदियाँ ऐड करते रहते हैं। तो मैंने इन सारी बिंदी के जो फ्लैप थे उन्हें ओपन करके अंदर का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था जहाँ पर बिंदियाँ स्टिक थी वो प्लास्टिक सारा हटा लिया। उसके बाद जो भी हमने बिंदियाँ निकाली हैं उन्हें मैं इस तरीके के पाउच के अंदर डाल रही हूँ। ये भी मुझे किसी चीज़ के साथ ही मिला था, आई डोंट नो मैंने क्या परचेज करा था, शायद मास्क वगैरह थे। तो आप देख सकते हैं पहले कितना सारा सामान हम लेके घूम रहे थे और अब ये इतनी कॉम्पैक्ट हो चुकी हैं कि आप लोग इन्हें अपने पर्स वगैरह में या बैग्स के अंदर भी ले जा सकते हैं, ट्रैवलिंग में भी आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चों के वाटर कलर ख़त्म होने के बाद उनके जो बॉक्सेस होते हैं उनको भी आप कई तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ वो तरीका शेयर कर रही हूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैं सारे अपने हाइलाइटर और जो भी मेरे पास मार्कर्स हैं उन्हें रखती हूँ। बेबू का बर्थडे था और डेकोरेशन हुई थी तो उसके लिए मैंने कई सारी चीज़ें परचेज करी थी, पर अगले बर्थडे पे या फिर आदि का बर्थडे आएगा उसके लिए मुझे नया कुछ परचेज नहीं करना है, इसीलिए इन्हीं सारी चीज़ों को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी था।
तो ये जो छोटे छोटे से बलून्स के फ्लावर्स बनाने का आता है सेट, ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया था और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, फ्लावर्स बहुत अच्छे बने थे। इनको मैं वापस से रख रही हूँ जिस पैकेट में ये आया था उसी में, और इन सारे जो भी बर्थडे के मेरे पास डेकोरेशन आइटम्स हैं इनको रखने के लिए मैंने अगेन यूज़ करा है इस तरीके का ब्राउन हैम्पर, जो कि आप लोग जब स्वीट्स वगैरह परचेज करते हैं तो उसके साथ या कपड़ों के साथ भी मिल जाता है। छोटा सा बड़ा क्यूट सा था ये, तो मुझे पता ही था इसे मुझे यूज़ करना ही है, तो सोचा बर्थडे के डेकोरेशन आइटम्स इसमें रखे जाएँ। जब हम बल्क में पॉपकॉर्न खरीदते हैं तो उसके साथ हम लोग ये बॉक्स भी ले आते हैं। इस बॉक्स को आप पॉपकॉर्न रखने के लिए तो यूज़ करते ही हैं, जब वो ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद भी आप लोग इन्हें यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा अपने किचन या फिर कपड़े धोने वाले साबुन को रखने के लिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विद लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टिक ट्रंक। टेक केयर एंड बाय।